स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत वन विभाग द्वारा डोईवाला के थानो रेंज में स्वच्छता अभियान चलाया गया। यह अभियान भोगपुर से लेकर इको पार्क थाने तक चलाया गया। इस दौरान वन विभाग के कर्मचारियों और कई गांवों के प्रधानों ने सड़क किनारे साथ ही वन आरक्षित क्षेत्र में फेंके गए कूड़े को एकत्र कर स्वच्छता का संदेश दिया। इस दौरान वन विभाग ने ग्रामीणों और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से अपील करते हुए कहा कि सड़क किनारे कूड़ा न फेंके, कूड़े को कूड़ेदान में ही डालें, जिससे पर्यावरण स्वच्छ रहे। पशु पक्षी और जंगली जानवर भी इस दूषित खाद्य पदार्थ से सुरक्षित रहे। डोईवाला से जावेद हुसैन की रिपोर्ट। वन विभाग द्वारा थानो रेंज द्वारा चलाया गया, जो कि से यूपी पार्क तक चलाया गया और सभी ग्राम प्रधान भोगपुर, ग्राम प्रधान बागी, ग्राम प्रधान गड़ूल, क्षेत्र पंचायत गड़ूल और अन्य जो स्थानीय नागरिक हैं उनका भी पूर्ण रूप से सहयोग मिला है। और हम सभी ग्राम प्रधानों, जनप्रतिनिधि और आम जनता से निवेदन करना चाह रहे हैं, कर भी रहे हैं बराबर, कि जो अन्य जो कूड़ा करकट आप करते हैं तो जैविक अलग, गीला अलग, सूखा अलग डालें और ये सड़कों पे या अन्य किसी पार्क आदि में ना डालें। हम वन विभाग की तरफ से ये अपील करते हैं सभी ग्रामवासियों से, जनप्रतिनिधियों से, कि आप भी अपने समाज में जाके लोगों को जागरूक करें कि जंगल ये ना आरक्षित क्षेत्र में और ना ही रोड साइड ऐसे कूड़ा ना फेंकें और जहाँ पे भी कूड़े का डस्टबिन होता है कूड़े को वहीं पे फेंका जाए। और स्वच्छता अभियान में हमारे जो माननीय मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री जी, जो उनका एक अभियान है उसमें सबकी आप मदद करें, सब लोगों से यही हमारी एक आशा है। जीव जंतु के लिए बहुत घातक होता है क्योंकि जो हमारा ये देहरादून डिवीजन है ये ज़्यादातर गाँव से लगा हुआ है और इसमें जीव जंतुओं का जो एरिया है वो बिल्कुल रिजर्व फॉरेस्ट और हमारे जो समाज है इस पर लगता हुआ है। तो हमको ये भी ध्यान देना होगा अगर हम आरक्षित क्षेत्र में कूड़ा फेंकते हैं तो उसमें जो जीव जंतु हैं कभी कभी पन्नियों को खा लेते हैं क्योंकि उसमें कुछ खाना बचा रहता है, वेस्ट जो होता है, तो उससे उनके जो पेटों में है वो खाना जम जाता है और इससे कई बीमारियाँ उनको लग जाती है जिससे उनकी एक मौत भी हो जाती है, दुखद मौत होती है। तो बस आप लोगों से यही हम एक अपील करते हैं कि इसको हमारा सहयोग करें इसमें कि जीव जंतुओं के साथ साथ मतलब हम अपने पर्यावरण की भी रक्षा करें।